25 जून सन 1975 को लगे आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस समय की तात्कालिक प्रधानमंत्री के कथनों को उजागर करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की मंशा हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की रही है। साथ ही उस समय के क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण के सप्त क्रांति को अपनी दमनकारी नीतियों से कुचलने का आरोप भी लगाया। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लगा था। 21 मार्च 2 1977 तक वो लगा रहा। क्यों लगा? कि जब आजादी के बाद भी जो कांग्रेस का राज चल रहा था उस समय भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चल रहा था और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका था जिसके कारण जेपी आंदोलन, सप्त आंदोलन उसको बोला गया था। तो सप्त आंदोलन जो 7 जो चीजें थी उसको लेके जेपी जी ने अपना आंदोलन छेड़ा था और मात्र 2.5 साल में वो संगठन इतना बड़ा हो गया था कि प्रशासन भी दबाव में आ गया था, न्यायपालिका भी एक न्याय करने के लिए बहुत ज्यादा बाध्य हो गई थी और ये कंडीशन आ गई थी कि इंदिरा गांधी जी को जेल हो जाए। उसके बाद उन्होंने अपनी गद्दी को बचाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी में अखबारों की बिजलियां काट दी गई थी। अगर आप सच्चे थे तो अखबारों की बिजलियां क्यों काट दी गई? 327 अखबारों को निलंबित कर दिया गया। कई विदेशी अखबारों को भारत आने नहीं दिया गया। कईयों के मतलब लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कईयों को विज्ञापन देना बंद कर दिया गया। कईयों को जेल में ठूस दिया गया पत्रकारों को वो, और कईयों को बाहर भी निकाल दिया गया, भारत से बाहर निकाल दिया गया संवाददाताओं को। तो ये काला आइटम कानून ले आए थे और उस काले कानून के चलते उन्होंने अपनी अपनी जो चीजें थी संविधान में जो फेरबदल करना था वो भी किया उस समय। और उस समय बहुत सारी चीजें जलाई गई, पेपर जलाए गए, बहुत सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। उसके बाद जब फिर से चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी जी जो कि देश की प्रधानमंत्री थी उनका जमानत जब्त हो गई। और कांग्रेस की फितरत आई है कि वो इस टाइप के ही काम करती है। आज भी कई लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ में दबाया जा रहा है, अपने लोकतांत्रिक हितों का वो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। कोई फेसबुक में अगर मान लीजिए कि कोई बिजली ज्यादा कटौती हो रही है उसको फेसबुक में लिख देता है तो उसके ऊपर राजद्रोह तक की धारा लगाने की कोशिश की गई, कर भी दिया गया लेकिन उसको फिर से हटा दिया गया। लेकिन इस टाइप की जो हरकतें हैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होनी चाहिए। आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।